केस नंबर टू, जब हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो, उस केस में सिर्फ स्लाइटली चेंज क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस हम लोग एल बाई टू लेते थे, अब थीटा एंगल से रोटेट कर गया है तो ये डिस्टेंस हमारा एल बाई टू साइन थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अब डिस्टेंस हमारा एल बाई टू ना होकर क्या हो जाएगा, एल बाई टू साइन थीटा। बस अब हमारा अगर हम बात करें फोर्स का, फिर हमारा फोर्स तो वहीं रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू एल बाई टू नहीं लिखेंगे, एल बाई टू साइन थीटा। ठीक उसी तरह हमारा नेट टॉर्क आ जाएगा, सब में एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, साइन थीटा। अगर लिखना होगा तो लिखेंगे आई ए बी बाई टू साइन थीटा। फिर राइट आर्म पे भी वही कहानी होगा, राइट आर्म पे भी आएगा आई ए बी साइन थीटा बाई टू, सेम प्रोसेस। अब नेट टॉर्क निकालना है, दोनों को ऐड करोगे तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला आएगा आई ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर n लूप के लिए आएंगे तो n टाइम्स ऑफ आई ए बी साइन थीटा, और i इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया गया था तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एन आई ए मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, लिख सकते हैं m b साइन थीटा। और आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो कि a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। तो कहीं ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है ए बी साइन थीटा, तो कहीं भी अगर ए बी साइन थीटा में दिखेगा तो क्या मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, बशर्ते ए और बी दोनों वेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, एम मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो हम लोग अगर एम बी साइन थीटा में कहीं दिख रहा है तो हम नेट टॉर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। व्हाट इज एम, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, और व्हाट इज बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ये मिलता जुलता है टॉर्क का हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, बोलो पी क्रॉस ई, याद है? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एनालॉग इसका, कि कैसे जो मैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था वो मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता था वो मैग्नेटोस्टैट्स में क्या क्या हो रहा है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में क्या क्या हो रहा है, कैसे हमारा वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होता था, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कर सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आप वो याद रहेगा तो जब समराइज कीजिएगा एग्जाम देने जाएगा तो ये भी याद रखिएगा। बस आपको इसमें दो फॉर्मूला याद रखना है, जनरल वाला है टॉर्क का फॉर्मूला और एक जनरल वाला है एन आई ए बी साइन थीटा। ये आपको आगे इसलिए मैंने बोला याद रखिएगा, जब जैसे हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मंडे को पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मंडे को ही फिनिश करने का कोशिश करेंगे, तो जब हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे उस समय आपको इस फॉर्मूले की अति आवश्यकता होगी। ये फॉर्मूला एन आई ए एन लूप के लिए, टर्न लूपों की संख्या कितनी, एन एन लूप के लिए। चलिए ठीक है, आज की सामने यही पकड़ समाप्त करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और राइट डाउन कर लीजिएगा, फेयर में लिख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।